और इस वक्त हम नेशनल टी स्टॉल यानी कौमी चाय स्टॉल पर मौजूद हैं। आपको जानकर हैरत होगी कि 8 पतीलों में चाय बारी बारी खूब करने के बाद सारफ के लबों तक पहुंचती है। ये गिन लें, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये 8। चौबीस घंटे सर्विस और दिन का 45 मन दूध लग जाता है। रिजवान भाई नेशनल टी स्टॉल के ओनर है, तो रिजवान भाई हमें ये बताए कि ये जो आप इधर ये 20 साल चला रहे हैं, ये कितने अरसे भी चला रहे हैं? मुझे काम करते हुए तो 24-25 साल हो गया, और मेरे वाले साहब 40-45 साल से पुराना ये काम कर रहे हैं। तब हमारा छोटा था खोखा था, अब तो चौंक के 2-3 नक्शे बदल गए हैं जी। अच्छा, तो ये मुझे बताया कि ये जो आपका अंदाज है चाय बनाने का, ये चाय जो ऐसे जैसे झूम रही होती है, डांस कर रही होती है, ये हवाओं से बातें कर रही होती है, इसकी क्या वजह है? चाय हम अच्छी तरह पकाते हैं, एक चाय है वो 6-7 चूल्हे पर पकते हमारे पास आती है, और हमने उठी दे रही हुई हम मुलाजम से ये काम करवाते। चाय जितनी देर हमारी नाम नोट चेक ना कर ले, हम उतनी देर तक हम कस्टमर को नहीं देते। चाहे कस्टमर चाहता है चाहे, लेकिन जब तक हम अपने आप अगर आपने किसी को एक कप चाय देनी है तो 7 हाथ से पक्कर आएगी और फिर वो आगे कस्टमर तक जाएगी। जी जी यही है, हमारा पक्की रहती है चाय, आप देखते हैं बाहर के लोग देखते हैं हमारी किटा की हाइट भी है, वो भी हमारी बहुत फेमस है, उधर से लोग आते हैं रोजाना आते हैं, बहुत दूर से आते हैं। ये मैंने भी ये टेस्ट की है, मजा आ गया, तो इसी वजह से मैंने रिजवान भाई का इंटरव्यू किया है कि आखिर क्या वजह है कि ये जो आपकी चाय है वो इतनी लजीज है। तो इन्होंने इंतजाम किया है कि 7 हाथ से चाय पक्की आती है और फाइनल रिजवान भाई है, इन्होंने वो जो चाय है वो आगे सर्व करनी है। उम्मीद करता हूँ ये आपको वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आई है तो लाइक और शेयर कीजिएगा, और चैनल पर अगर आपने पैसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। रिजवान भाई के पास बिल्कुल टाइम नहीं था, तो बड़ी मुश्किल से मैंने ये मैनेज किया है कि थोड़ा सा मुझे टाइम दे, ये दड़ा दड़ और ये सारी रात ये चाय फरोख्त होती है, दिन रात 24 आवर्स। हमारे पास जो है लोग दूर दराज से रोजाना की वजह से, लाहौर से, गुजरावाले से, डस्का से, नारोवाल से, ये दूर दराज रोजाना लोग आ रहे हैं, पूरे मुल्क से लोग हमारे पास स्पेशल आते हैं रोजाना की वजह से। तो रिजवान भाई कभी ऐसा भी हुआ कि 24 आवर में ये जो रश है वो टूट जाता हो, रश कम हो जाता हो? रश कम होता है सुबह 4 बजे के बाद, जो जुम्मा इतवार होता है ना वो तो सुबह 5:30-6 बजे तक रश रहता है। यानी जो ऐसे दिन को तो हमारे पास लोग चलता रहता नॉर्मल, दिन को हमारे पास 5-6 चूल्हे चलते हैं, रात को तकरीबन 9-10 चूल्हे हो जाते हैं, रात को काम हमारे पास कंट्रोल नहीं होता माशाल्लाह। तो ये आप शिफ्टों में काम करते होंगे? हाँ शिफ्टे भाई 2 शिफ्ट है, मैंने खुद जो काम करना था 15 घंटे है, 2 शिफ्ट है, हम 3 भाई है और हमारी 2 शिफ्टे चले, मुलाजम भी हमारे 2 शिफ्टा चलते। ये जी नेशनल टी स्टॉल की कहानी है, और ये वजह है कि नेशनल टी स्टॉल पूरे पाकिस्तान और बिरौने ममालिक में भी छाई हुई है। कुछ नौजवान भी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे पूछते हैं कि इन्होंने ये नेशनल टी स्टॉल की चाय पी है, इन्हें कैसी लगी है? जी बताएं ये चाय आपको कैसी लगी है? जी हमने चाय पी है, नेशनल टी स्टॉल स्पेशल चाय पी लग रही है, बहुत ही अच्छी चाय है। ये कहाँ से आए आप? जी हम फैसलाबाद से चाय पी लग रही है। नहीं ये टेस्ट है।